इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट ईयर इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पार्ट का चौथा पार्ट बताने चल रहा हूँ। इस चौथे पार्ट में कुछ प्रश्न किए गए हैं और उसका उत्तर देना है, यानी बोध प्रश्न है। ये इसलिए किया गया है कि क्या लड़का इस पाठ के बारे में पूरा समझ गया है, तो इस दृष्टि से जो है ये प्रश्न किए गए हैं और उनका उत्तर आपको देना है। आप देखें, प्रश्न में बोल रहा हूँ, वीडियो को कई बार देखें, कई बार पढ़ें, तब ये पूरी चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आएंगी। देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है, थ्री फेजेज ऑफ द आथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड। थ्री फेजेज, उन तीन रूपों को बताइए ऑफ द आथर्स, लेखक के रिलेशनशिप माने संबंधों का, विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री, वह गांव छोड़ कर के टू स्टडी अब्रॉड, बाहर विदेश पढ़ने के लिए गया, यानी लेखक विदेश पढ़ने के लिए गया, उसके पहले उसका जो उसकी दादी के साथ रिलेशनशिप थी उसके तीन स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पहला है, नंबर एक है, द फर्स्ट फेज इज दैट दे लिव्ड इन द विलेज ऑफ दे लिव्ड इन द विलेज एज फ्रेंड्स। पहला है, पहला फेज है, द फर्स्ट फेज इज दैट दे लिव्ड इन द विलेज एज ए फ्रेंड्स, यानी प्रथम फेज तो यह है, प्रथम स्वरूप यह है कि वे गांव में एक मित्र की तरह दोनों रहते थे, मित्रवत रहते थे। द सेकेंड फेज इज दैट ए टर्निंग पॉइंट टुक प्लेस इन देयर फ्रेंडशिप व्हेन दे लेफ्ट विलेज एंड केम टू द सिटी टू लीव विथ आथर्स पेरेंट्स। द सेकेंड फेज इज दैट ए टर्निंग पॉइंट टू प्लेस इन देयर रिलेशनशिप या इन देयर फ्रेंडशिप व्हेन दे लेफ्ट विलेज एंड केम टू द सिटी टू लीव विथ आथर्स पेरेंट्स। यानी दूसरा महत्वपूर्ण जो फेज है वो ये है कि उनके मित्रता में, उनके संबंधों में एक बहुत ही प्रमुख मोड़ आया जब वे गांव छोड़े और शहर में रहने के लिए लेखक के पेरेंट्स के साथ, यानी लेखक के माता पिता के साथ गांव शहर में रहने के लिए आए। और तीसरा है, फेज है, द आथर अटेंडेड यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज गिवेन ए सेपरेट रूम सो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम स्नैप्ड। तीसरा फेज जो है प्रमुख है कि जब लेखक ने विश्वविद्यालय अटेंड किया, द आथर अटेंडेड यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज गिवेन ए सेपरेट रूम टू लीव, और उसे रहने के लिए एक अलग कमरा दिया गया, सो इसलिए द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज स्नैप्ड, इसलिए उन दोनों के बीच में जो एक सामान्य संबंध था वो टूट गया। तो इस प्रकार ये तीन फेज आपके रहे। अब इसके बाद है आपका जो है, थ्री रीजंस व्हाई द आथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी। थ्री रीजंस व्हाई
द आथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तीन कारण प्रस्तुत कीजिए कि उसकी दादी क्यों बड़ा परेशान थी, डिस्टर्ब हुई जब वह शहर के स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। देखिए, द फर्स्ट रीजन इज दैट, प्रथम कारण ये है कि आथर अटेंडेड द इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड देयर ही वॉज गिवेन ए लेसन ऑफ वेस्टर्न साइंस। पहला तो यह है कि लेखक इंग्लिश मीडियम स्कूल अटेंड किया और वहाँ जो है संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया, यह एक कारण था। लेसन ऑफ साइंस, वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। दूसरा है, द सेकेंड रीजन इज दैट ही द आथर स्टार्टेड टू लर्न म्यूजिक एंड हिज ग्रैंड मदर थॉट दैट म्यूजिक वॉज द लेसन ऑफ लो एसोसिएशंस स्पेशली फॉर बेगर्स एंड हारलॉट्स। दूसरा कारण है, द सेकेंड रीजन इज दैट द आथर स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, लेखक ने संगीत सीखना शुरू किया। एंड हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट, उसकी दादी इसे पसंद नहीं करती थी। ही थाट दैट म्यूजिक वॉज द लेसन ऑफ लो एसोसिएशन, वो समझती थी कि संगीत नीचे तबके के लोगों के लिए है, स्पेशली विशेष रूप से फॉर बेगर्स, भिखारियों के लिए, एंड हारलॉट्स और वेश्याओं के लिए है। वे इसे अपना जो है वो बनाती हैं संसाधन कमाने का। द थर्ड रीजन इज दैट, और तीसरा कारण है कि ही वॉज नॉट गिवेन द लेसन अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स आर रिलीजियस बुक्स। और तीसरा कारण यह है कि ही वॉज नॉट गिवेन द लेसन, ही वॉज द थर्ड रीजन इज दैट ही वॉज नॉट गिवेन द लेसन अबाउट गॉड, उसे ईश्वर के विषय में नहीं पढ़ाया जाता था, एंड स्क्रिप्चर्स और धार्मिक धर्म के विषय में, धार्मिक बातों के विषय में, रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकों के विषय में उसे नहीं पढ़ाया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, थ्री वेज इन विच द आथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रेव, उन तीन तौर तरीकों को बताइए जिन तरीकों के द्वारा उसकी दादी ने जो है अपना जीवन व्यतीत किया जब वो लेखक बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, दादी से संबंध लगभग ख़त्म हो गया, तो उसकी दादी ने कैसे अपना समय व्यतीत किया, इसके तीन स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, द फर्स्ट वे इज दैट सी पास्ड हर टाइम इन हर व्हीलिंग स्पिन, इन हर व्हील स्पिन स्पिनिंग। द फर्स्ट वे इज दैट सी पास्ड हर टाइम इन हर व्हील स्पिनिंग, पहला तरीका जो था उसका समय पास करने का था क्या, तो चरखा चलाकर, उसकी दादी जो है पूरे दिन चरखा चलाती थी। द सेकेंड वे इज दैट सी पास्ड हर टाइम इन द प्रेयर ऑफ गॉड, द सेकेंड वे इज दैट सी पास्ड हर टाइम इन द प्रेयर ऑफ गॉड्स। दूसरा तरीका था उसका कि वह अपना अधिकाधिक समय जो है ईश्वर की प्रार्थना में, स्तुति में व्यतीत करती थी। द थर्ड वे इज दैट सी फेड द स्पैरोज इन आफ्टरनून एंड फेल्ट हरसेल्फ रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस हाफ एंड आवर। तीसरा कारण है, द थर्ड वे इज दैट सी फेड द स्पैरोज, वह गैरों को रोटी खिलाती थी इन आफ्टरनून, दोपहर के बाद, एंड फेल्ट हर सेल्फ रिलैक्स्ड, और इस दौरान वह अपने को काफ़ी रिलैक्स, आराम महसूस करती थी। ड्यूरिंग दिस हाफ एंड आवर, यह जो आधे घंटे का समय उसका था चिड़ियों को खिलाने का, इसमें वो बहुत अपने को रिलैक्स महसूस करती थी।
चौथा है, द ओल्ड वेज इन विच द आथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। उस अजीब या विचित्र ढंग को बताइए जिसे लेखक की दादी ने अपनाया जब वह मरी उसके पहले, यानी मरने से पहले उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ। वे क्या परिवर्तन थे, उन परिवर्तन के विषय में बताइए। तो हम कुछ परिवर्तन पाते हैं, वी फाइंड सम चेंज इन द बिहेवियर ऑफ आथर्स ग्रैंड मदर बिफोर सी डाइड, यानी आथर की बूढ़ी दादी मरी उसके पहले हम उसमें कुछ परिवर्तन पाते हैं। क्या है, सी ऑलवेज प्रेड गॉड, वह हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करती थी। बट लेकिन बिफोर हर डेथ, अपने मृत्यु से पहले शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं किया। सी टुक एन ओल्ड ड्रम एंड कलेक्टेड द ओमेंस ऑफ नेबरहुड एंड बिगेन टू सिंग व्हाइल सी वाज अगेंस्ट म्यूजिक। दूसरा अंतर क्या था, अतो मरने से पहले उसने वह एक पुरानी जीर्ण सी ढोलक ले आई और महल्ले की पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करके संगीत शुरू किया, बजाना शुरू किया और गीत गाना शुरू किया, जबकि वह हमेशा संगीत के खिलाफ रहती थी। तो यह उसके अंदर, यह बहुत बड़ा परिवर्तन हम उसके अंदर पाते हैं। ये दो परिवर्तन प्रमुख हैं कि मरने से पहले उसने अपने पूजा नहीं किया, पूजा छोड़ दिया और हमेशा संगीत के खिलाफ रहती थी, कहती थी संगीत तो वेश्याओं के लिए है, वे अपना जीवन यापन संगीत के द्वारा करती हैं, भिखारियों के लिए हैं, गीत गा गा करके भीख मांगते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, ये कुलीन लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं है, ऐसा उसका विचार था। लेकिन मरने से पहले संगीत को भी अपनाया और प्रार्थना भी बंद कर दिया। और पांचवा है, द वेज इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सारो व्हेन द आथर्स ग्रैंड मदर डाइड। उस ढंग को बताइए, उस तौर तरीके को बताइए जिस ढंग से, जिस तौर तरीके से गौरैयों ने अपने दुख को व्यक्त किया जब आथर लेखक की दादी मरी, यानी लेखक की दादी के मृत्यु पर गौरैयों तक ने अपने दुख को व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया, देखिए कैसे व्यक्त किया, व्हेन द आथर्स ग्रैंड मदर डाइड, व्हेन द आथर्स ग्रैंड मदर डाइड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम एंड सैट ऑन द फ्लोर, सैट ऑन द फ्लोर, दे वेयर नॉट चर्पिंग, दे वेयर कंप्लीटली साइलेंट, आथर्स मदर फेल्ट पीटी फॉर देम, फॉर स्पैरोज एंड थ्रू सम पीसेज ऑफ ब्रेड, बट द स्पैरोज डिड नॉट ईट देम, डिड नॉट ईट देम। व्हेन ग्रैंड मदर्स कार्प्स वेयर कैरीड बाय देम, ऑल द स्पैरोज एंड बर्ड्स फ्लू अवे। अर्थात जब लेखक की दादी मरी, हजारों की संख्या में गौरैये और चिड़िया आईं और फर्श पर बैठ गईं। वे बिल्कुल शांत थी, आज वो चहचहा नहीं रही थी, जबकि रोज चहचहाती थी, लेकिन आज वो सब की सब बिल्कुल पूर्णतया शांत थी। लेखक की माँ को गौरैयों पर दया आई कि देखा आज वो रोटी नहीं मिल रहा है, सब चुपचाप बैठी हुई हैं, इसलिए वह रोटी का टुकड़ा लाई और फेंक दी, लेकिन एक भी गौरैयों ने उस रोटी के टुकड़े को, एक भी पक्षी उस रोटी के टुकड़े को नहीं खाए। और जब उसकी अर्थी को लेकर के लोग जाने लगे, लेखक की दादी की अर्थी को लेकर के लोग जाने लगे, तो
सभी की सभी चिड़िया, सभी गौरैया वहाँ से उड़ करके चली गई। यानी लेखक ने यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन दिया है हमको और आपको, मानव को, मनुष्य को, कि चिड़िया तक संवेदनशील है, चिड़ियों में संवेदना है, चिड़ियों में भी भाव है, भावनाएं हैं, वो भी समझती हैं जो उसको खिलाता पिलाता है उसके प्रति इतना स्नेह है कि उसके दुख में दुखी हैं, उसके सुख में सुखी हैं। लेकिन आज मानव की संवेदना समाप्त होती जा रही है, मानव में आज संवेदना नहीं रह गई है। एक दूसरे के दुख के प्रति दुखी होना, उसकी मदद करना, ये भावनाएं मानव से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। इसलिए लेखक ने हमारे सामने गौरैयों का उदाहरण दे करके ये प्रस्तुत किया है, दिखाना चाहता है कि चिड़ियों तक में ये भावना है तो मनुष्य में तो इससे और ज़्यादा होना चाहिए, किंतु दुख की बात है कि मनुष्य में ये भावनाएं कम होती जा रही हैं। इस प्रकार इस पाठ, यह पाठ आज समाप्त हो गया। हमने इसका 4 वीडियो डाला है, क्रमशः ये चौथा पार्ट है। सभी को आप वीडियो को आप देखें, एक वीडियो को कई बार देखें, कई बार सुनें और मन लगा के सुनें, पूरा ध्यानपूर्वक सुनें, तब सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक बार सुनने से नहीं आएगी, कई बार वीडियो को सुनें। आपके पास तो पर्याप्त समय है, घर पर क्लास आना नहीं है, विद्यालय आना नहीं है, दिन भर पढ़ना ही है, इसलिए खूब पढ़ें और खूब इसको सुनें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।